और झारखंड में विश्व स्तरीय अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का स्कूल का निर्माण होगा और सीएम हेमंत सोरेन ने इसका शुभारंभ किया है। चर्चा शुरू किया, फिर मैंने कहा एक बार आप हमारी इच्छा का एक छोटा सा झलक देख के जाएं। मैंने एक जगह का लोकेशन बताया, आप वहां जाके देखें तो आप, मुझे लगता है कभी आपको मौका मिलेगा यहां आने को देखने को। तो हम लोगों ने एक ऐसा जगह को चिन्हित किया है जो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जिस परिकल्पना के साथ आप लोग अपने फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब अनुराग जी ने हमारे स्थल को देखा तो मुझे लगा पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास ये कहता था कि उस जगह को जो भी देखेगा और जो इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो कभी इनकार नहीं कर सकते। और ये आज उसका फलाफल है कि आज इतने दिनों के बाद मेहनत कर लोग इस जगह पर पहुंचे। आपकी पूरी टीम के सहयोग से यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सामाजिक विकास के क्षेत्र में नील की पत्थर हम लोग लगाने जा रहे हैं जो इस राज के लिए एक महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन के रूप में ये हैं, क्योंकि इस राज्य के लोग जहां आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बहुल राज्य है और आप बहुत बड़े उद्योग जगत से भी जुड़े हैं और आपको पता है कि जिन राज्यों में खनिज संपदाएं निकलती हैं दुनिया के किसी भी कोने में उन खनिज संपदाओं के आसपास या उस क्षेत्र का जो आम जनता है हमेशा गरीब रहा है। और ये मैं कहीं ना कहीं ये बहुत करीब से महसूस कर रहा हूं कि खनिज संपदा से हम पाए जो करना चाहिए था अलग अलग जहां से व्यवस्था मजबूत हो सके, जहां से सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो सके और यहां के गरीब लोगों की आर्थिक मजबूती की ओर लोग बढ़ सके, इस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज के आपको और पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अजीत प्रेमजी साहब। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ हम सुन पाए। हेमंत जी, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन अस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।